टॉपिक गांधी जी के शब्दों का भारत असली आई थैंकफुल टू मैनेजर सर रिस्पेक्टेड मैनेजर सर प्रिंसिपल सर एंड वाइस प्रिंसिपल मैम गिविंग मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू सो नाउ आई विल कम इन माय ओन लैंग्वेज सो जो मेरा विषय है वो है गांधी जी के शब्दों का भारत गांधी जी ने मेरे सपनों को भारत में लिखा था कि मैं एक ऐसा भारत चाहता हूँ जिसमें सिर्फ राजनीतिक आजादी ही ना हो बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित भारत की कल्पना की थी और गांधी जी ने अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर अपने देश को आजाद करवाया था। गांधी जी की कल्पना के अनुसार गांधी जी एक ऐसा भारत चाहते थे जिसमें किसी भी लोगों की ऊंच नीच वर्ग ना हो किसी भी जातियों का अपमान ना हो और छुआछूत का ख्याल पैदा ना हो। और गांधी जी का एक कथन भी था, धर्म मेरा सत्य है और अहिंसा पर आधारित। तो गांधी जी अगर चाहते तो वो सिर्फ अपने लिए अपने भारत का सपना सोच सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी जनता के लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए उस भारत का सपना सोच के उन्होंने ये सपना सोचा था। तो मैं कविता कहना चाहता हूँ, हम सबके प्यारे बापू जग के सारे जग के प्यारे बापू कभी ना हिम्मत हारे बापू भारत के प्यारे बापू दैट्स ऑल थैंक यू। जो अगर कोई आपके सामने हिंसा कर रहा है और आप
पश्चात से देख रहे हैं, तो आप उस हिंसा के बराबर जिम्मेदार आप भी होंगे, और या फिर आप हिंसा सह रहे हैं। हमें ना हिंसा करनी चाहिए, ना हिंसा सहनी चाहिए, ना किसी को हिंसा करने देना चाहिए। जितना हिंसा करने वाला जिम्मेदार होता है, उतना हिंसा सहने वाला और हिंसा अपने ऊपर करने देने वाला और हिंसा देखने वाला, ये तीनों ही बराबर के जिम्मेदार होते हैं हिंसा को लेकर। मैं दो लाइन की कविता बोलना चाहती हूँ महात्मा गांधी जी के बारे में फिर से। सत्य और अहिंसा के रास्ते पे बापू चलने को कहा करता था तब, सत्य और अहिंसा के रास्ते पे बापू चलने कहा करता था तब, लेकिन आज लोग इसको भूल गए। हम ये सही बात है, हम खुद इसको भूलते ही जा रहे हैं। महात्मा गांधी की इस बात को वो हमेशा कहते थे कि हमेशा सत्य और अहिंसा की राह में चलो, और हमें आप हमेशा याद रखिएगा कि अहिंसा की राह में चलते हैं वो हमेशा हिंसा की राह में चलने वालों से बड़े होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लें महात्मा गांधी और अंग्रेज का, आज भी हम महात्मा गांधी को याद करते हैं तो सम्मानपूर्वक और अपने दिल में प्रेम लेकर। महात्मा गांधी ने अपना हमारे स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दे दिया था, लेकिन आज भी वो हर भारतीय के दिल में वो जिंदा है, क्योंकि उन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए लड़ा था और हिंसा की राह पर चले। और अगर आज हम अंग्रेज को याद करते हैं, हमारे दिल में काफ़ी गुस्सा भरा हुआ है, क्योंकि उन्होंने हमारे काफ़ी धन को लूटा था, काफ़ी हमारे भारत को काफ़ी नुकसान भी पहुँचाया था। इसलिए हमें हमेशा हिंसा और सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। हमेशा सत्य की राह पर चलने वाला हिंसा की राह चलने वाले से बड़ा होता है। लड़ सकते हैं। जो उन फ्रीडम फाइटर
दुख ना पहुंचाना यही अहिंसा कहलाती है। और यहाँ तक हमारे गांधी जी ने ये भी कहा कि किसी को भी हमें किसी के साथ भी हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें हमेशा अपने प्रति और दूसरों के प्रति सभी के प्रति करुणा प्रेम का भाव रखना चाहिए, सभी को एक समान देखना चाहिए। लेकिन उन दिनों ये नहीं था, इसीलिए उन्होंने ये सारी बातें कही। उन दिनों सती सिस्टम चल रहा था। सती क्या होता है? सती एक ऐसा सिस्टम था जिसमें एक अगर वाइफ है और उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उस वाइफ को भी उसके साथ मतलब दफन कर दिया जाता है, उसे भी बर्न कर दिया जाता है। ये सिस्टम था। और ये जो छुआछूत थी, ऐसे कई सारी जो ऐसी कई सारी जो चीजें थी हमारे समाज में निकल के आ गई थी। अहिंसा और गांधी जी के अनुसार एक ही चीज कही गई कि सत्य ही बल है और अहिंसा ही हमारी शक्ति है। सत्य ही बल है, अहिंसा ही हमारी शक्ति है। और उन्हीं पर मैं आपको ऐसी कुछ बातें बताना चाहूंगी, तभी तो गांधी जी कहने लगे। और एक शायर कहते हैं कि बापू धरती पर तूने क्या करी लड़ाई, बापू ने धरती पर लड़ी अजब लड़ाई, ना दागी तो और ना बंदूक चलाई, ना दागी तो और ना ही बंदूक चलाई, दुश्मन के किले पर भी नहीं की कोई चढ़ाई, दुश्मन के किले पर भी नहीं की कोई चढ़ाई। वाह बापू तूने हम सबको क्या सीख सिखाई, वाह बापू तूने हम सबको क्या सीख सिखाई। इसी से रिलेटेड इस जो मैंने अभी आपके सामने शायरी बोली या जो भी मैंने आपके सामने विचार रखा, ये उनके जीवन के मार्ग को दर्शाती है कि उन्होंने सत्य और अहिंसा के पाठ पर चलकर हमें ये बताया। और एक आजाद भारत बनाने के लिए उसने एक महत्वपूर्ण किरदार निभाया। तो आज उन महात्मा का आज एक पर्व दिन है जिस पर हम सभी उपस्थित हैं। और गांधी जी ने इसके अनुसार सत्य और अहिंसा के अनुसार कुछ महत्व भी बताए कि अगर हमें सत्य और अहिंसा के पथ पर चलना है तो हमें कुछ नियमों की पालन करनी पड़ेगी, कुछ मूल्यों का भाव रखना पड़ेगा अपने दिल में, तभी एक अच्छे देश और एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। तो उन्होंने दो ऐसी चीजें बताई जिस पर हम चलेंगे तभी हमारे देश का विकास होगा। तो पहली चीज क्या थी? सच्चाई और ईमानदारी। दूसरी प्रेम और करुणा। प्रेम और करुणा एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार निभाती है किसी भी इंसान को व्यक्त करने में। अगर किसी इंसान के अंदर कोई क्वालिटीज नहीं है लेकिन उसके अंदर यह है कि वो बहुत ही पोलाइट है, वो बात बहुत अच्छे से करता है, तो इंसान यही कहेगा कि उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, उसका नेचर बहुत अच्छा है। तो ये जो मुख्य चीजें हैं यही बताई गई गांधी जी के द्वारा। और ये भी कहा गया कि अगर हम इस मूल्य पर चलेंगे तभी एक अच्छे देश और एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। और हमें ये सभी चीजों पर पालन करना चाहिए। और एक अच्छे देश का, अगर हमें एक अपने भारत को एक अच्छा देश बनाना है तो इन सभी चीजों पर हमें पालन करके अपने एक देश को एक श्रेष्ठ देश बनाना है। तो आज मैं अपने इस बातों का कुछ पंक्तियां बोलकर अपने इस भाषण की समाप्ति करूंगी। तो मेरा गांधी जी कहते हैं कि सच्चाई का शस्त्र लेकर, सच्चाई का शस्त्र लेकर अहिंसा का अस्त्र लेकर, सच्चाई का शस्त्र लेकर अहिंसा का अस्त्र लेकर गोरों को दूर भगाया था, गोरों को दूर भगाया था। गांधी तुझे करते नमन। गांधी हम सब यहाँ पर मौजूद हैं तो हम कहते हैं गांधी करते तुझे नमन, तुझे चढ़ाते प्रेम सुखन। और आज मैं सिर्फ उस गांधी जी, उन महात्मा गांधी को ही नहीं, आज मैं उन सब लोगों को जिनका नाम आज इतिहास के पन्नों में से मिट गया है, ऐसे बहुत से लोग थे
गांधी और अंग्रेज। गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत सारा काम किया। उन्होंने हमारे देश को अंग्रेजों से बचाया। आज तक ऐसा कोई नहीं है जिन्होंने इतना काम किया हमारे देश के लिए। उनके एक आवाज से कहने से 2 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट ने अपने अंग्रेज के स्कूलों में पढ़ना छोड़ दिया। धोबी ने कपड़ा धोना छोड़ दिया और नाई ने बाल बनाना छोड़ दिया। अगर उन्हें अंग्रेज कहते थे धोबी को, अगर तुम मेरे कपड़े नहीं धुलोगे तो मैं तुम्हें जला दूंगा, वो उस कपड़े को खुद ही जला देते थे। कहते कि तुम मुझे जला दो पर मैं यह कपड़ा नहीं धुलूंगा। नाई को वो ऐसा कहते थे तो कहते थे तुम मेरा गला काट दो पर मैं तुम्हारा बाल नहीं बनाऊंगा। ऐसा बहुत टाइम तक चलने लगा। तो उन्होंने ये सब देखते हुए उन्होंने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया 1 अगस्त 1920 में। यह आंदोलन स्टार्ट होते हुए जब हमारा धीरे धीरे यह आंदोलन बढ़ने लगा तभी बाल गंगाधर राव तिलक की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु होने के बाद उन्होंने अंग्रेजों ने सोचा मैं इसका फायदा उठाऊं। इसका फायदा उठाते हुए हिंदू और मुस्लिम में मैं फूट डालू। तो यह गांधी जी भी थे, वो पढ़े लिखे थे, उन्होंने तैयारी की थी इंग्लैंड से, मतलब उन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी। तो वह इतने एजुकेटेड थे, उन्होंने दिमाग लगाया कि हम यह दिमाग लगाते हैं कि हम जो है मोहम्मद अली और शौकत अली को बुलाते हैं और उन्हें बताया कि यह एक बाल गंगाधर राव तिलक है जो यहाँ टक्कर के हिंदू के दुश्मन है। तो इन्होंने उनके अर्थी उठाने को कहा कि हाँ यह अर्थी उठा। यह अर्थी उन्होंने उठाई और हिंदू और मुस्लिम एक होने लगे। यह उन्होंने देख कर उन्हें अंग्रेजों को बहुत नुकसान हुआ। कहा कि आपको बहुत बुरा हो रहा है हमारे साथ, ये हम कैसे कर सकते हैं। उन्होंने गांधी जी ने और आगे चलने लगा ऐसा। तो हमारे देश में हम गांधी जी चाहते थे कि अहिंसा हो पर हमारे देशवासी हिंसा करने लगे। चौरी चौरा कांड था, वह एक जगह का नाम था पर लोग तो वहां पे जाते, वहां पे एक पुलिस स्टेशन था जहां पर हमारे देश के लोग गए और एक पुलिसकर्मी को उन्होंने थप्पड़ मारा। जब पुलिसकर्मी ने उन पे आवाज उठानी चाहिए तो उनकी आवाज को दबाना चाहिए। तो जब वहां करे ऐसा तो वो हमारे देश वाले उन पे खुद ही भारी पड़ गए। जो हमारे देश वाले इस जगह पर गलत थे उन्होंने ऐसा करने लगे और जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने अपने आप को अंदर जेल में बंद कर दिया। इसकी वजह से जब वहां उन्होंने बंद कर दिया तो बाहर से हमारे देश वालों ने भी उनको बंद कर दिया, बाहर से भी लॉक लगा लिया और उनके ऊपर पेट्रोल डालकर उन पर आग लगाई जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। और यह सब देखकर उन्होंने यह आंदोलन बंद कर दिया। यह होते हुए उन्होंने यह देखा, उन्होंने गांधी जी ने बहुत समझाया देशवासियों को पर उन्होंने न समझी। उन्हें गांधी जी को पता था कि यह बहुत बुरा हो रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये सब तबाह हो जाएगा। तो उन्होंने कहा गांधी जी ने कि यह सब करना छोड़ दो तुम लोग, हम लोग चलते हैं आगे, अच्छी तरह चलते हैं, वार करो पर ऐसा करो कि दुश्मन तुम्हारी बात को समझ ना पाए। ऐसा करना चाहिए हमें बार पर लोग समझने के लिए तैयार नहीं थे इस जगह पर। तो उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया और कहा कि मैं जाऊंगा जेल, मैं इस गलती की सजा दूंगा। तो उनको 6 साल की सजा हुई पर उन्होंने 2 साल ही जेल की सजा काटी। उन्होंने 2 साल की सजा इसलिए काटी क्योंकि जो गांधी जी थे उन्होंने आज तक किसी को एक थप्पड़ भी नहीं मारा था। तो वो 2 साल ही वो बीमार हो गए थोड़ा, अगर वो थोड़ा सा बीमार होते ना तो वो लोग अपना बहाना बना लेते। गांधी जी कह रहे मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ, तो उनको 3-4 लोग लगते उठाने के लिए। तो यहाँ देख के उन्होंने अंग्रेजों ने सोचा अगर ये इंसान की बुढ़ा तो कभी आज तक किसी को मारा भी नहीं है एक थप्पड़, अगर इसने अगर हमारी जेल में मर गया तो हम क्या करेंगे, इस हमारे ऊपर नाम आएगा कि अरे इतना महान व्यक्ति था और मर गया। तो ऐसे उन्होंने गांधी जी को निकाल दिया। और यह गांधी जी ने निकलते ही थोड़े टाइम में अपने देशवासियों से कहा कि अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं दोबारा अंदर जा सकता हूँ, मेरी सिर्फ 2 साल की ही सजा थी जिसकी वजह से मैंने 2 साल की सजा काटी और मैं बाहर है। अब आप चाहें तो हम अंदर जा सकते हैं और ना चाहें तो नहीं जा सकते। अब उस टाइम पे एक महामारी चली थी जो चूहे से होती थी, लोग उस महामारी से दूर भागते थे। तो उन्होंने उस महामारी के पास गया और उस
कास्ट के लोग ज्यादा थे। यह यात्रा उनकी पूरी हुई और जब यह मिला उनको नवाब तो यह बहुत ही खुशी की बात हुई। यह बहुत खुशी की बात थी और जहाँ पे हमारे देश सैनिक थे, जहाँ पे हमारे देश के कुछ थे जो पुलिस थे वह आर्मी में थे, उसमें से एक थे मंगल पांडे। मंगल पांडे बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे जिनको बंदूक चलानी आती थी। तो वह जहाँ पे बंदूक बनते थे एक दिन वह बंदूक चलाने वाले जहाँ गए और देखा कि सुअर की जो खाल होती है उससे बंदूक बन रही है और गाय की खाल होती है। गाय हिंदुओं में बहुत पवित्र मानी जाती है और सुअर जो मुस्लिमों में होती है वह अगर छू जाए तो उन्हें नमाज नहीं पढ़ पाते। यह बहुत चलने लगा तो वह उससे गुस्सा हुआ बहुत। उन्होंने दुनिया में बताया, इस पूरे भारत देश में बताया कि ऐसा हो रहा है, हम जो अपने मुंह से फूंक कर जो पिस्तौल चला रहे हैं ये ऐसा ही हो रहा है। हमारे यहाँ हम अपवित्र हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सब अपवित्र हो रहे हैं, हम अब क्या करें। उन्होंने कहा अब मैं अपवित्र तो हो चुका हूँ, मैंने सुअर की खाल को अपने मुंह में डाला है तो क्यों ना मैं इसको ही मारूं। उन्होंने जो बंदूक मेन बनाता था उसको उन्होंने मार डाला जिसकी वजह से उन्होंने उसको फांसी पे वाल और मंगल पांडे को उन्होंने फांसी पर भी चढ़ा दिया कि उसने सबके सामने उन्होंने उनको मारा। ऐसा ही बहुत टाइम तक चलते रहा तो ऐसे ही हमारा देश आगे चलकर आजाद हुआ। डेट फॉर थैंक Thank you for giving a golden opportunity to tell something about my topic. My topic is Gandhiji versus British. Yani it means Gandhiji banam British. So first of all I introduce my topic, yani Gandhiji. Gandhiji ka pura naam Mohandas Karamchand Gandhi hai. Inka janm 2nd of October, yani aaj ki hi din 1869 ko Porbandar Gujarat mein hua tha. और इनके जैसे ही हमारे और भी फ्रीडम फाइटर हैं जैसे रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, वैसे ही ये भी एक टाइप के फ्रीडम फाइटर ही थे। बट इनमें यूनिक क्या था, जो ये सारे रानी लक्ष्मीबाई हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, जितने भी ये फ्रीडम फाइटर हैं ये हिंसा से देश को आजाद कराना चाहते थे। लेकिन जो गांधी जी थे ये अहिंसा मतलब हिंसा के खिलाफ थे और अहिंसा में रहकर देश को आजाद कराना चाहते थे। और इनमें बहुत सारे इनमें जो भी जो इनके रेवोल्यूशन स्टार्ट हुए, जो इनके प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए, जो क्रांतियां इन्होंने लाई उसमें से कुछ हैं जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, साल्ट सत्याग्रह हो गया, क्वाइट इंडिया मूवमेंट हो गया। इसमें से जैसे जो साल्ट सत्याग्रह है, साल्ट सत्याग्रह यानी इट मीन साल्ट मीन नमक, सत्याग्रह मीन प्रोटेस्ट, जो नमक के खिलाफ जो प्रोटेस्ट किया गया था ये हुआ था इन द ईयर ऑफ 1940 में। जो गांधी जी थे जब इन्हें पता चला कि जो ब्रिटिश थे वो जो साल्ट होता है, नमक जो होता है उसके खिलाफ जो टैक्स होता है वो 10% इंक्रीज कर दिए थे। तो जब गांधी जी ने ऐसा सुना तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये गांधी जी गए जो अंग्रेजी अफसर हैं उनसे मिलने गए, तो उनसे बातचीत की तो तब वो अंग्रेजी अफसर नहीं माने। तो उसके बाद गांधी जी जाते हैं और एक असेंबली बुलाते हैं जिसमें बहुत सारे पीपल थे और वो इस असेंबली में ये बताते हैं कि जो ये हम यहाँ जो क्रांति या फिर हम प्रोटेस्ट जो करने जा रहे हैं इसमें आपकी जान भी जा सकती है, तो आप अपनी जान की अगर परवाह बिना किए इस प्रोटेस्ट में भाग लेते हैं या फिर पार्टिसिपेशन करते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा, हमारे देश के लिए हमें फ्रीडम मिलेगा। तो जब गांधी जी ऐसा बोलते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग थे लेकिन सब पीछे हट जाते हैं। उसमें अराउंड 79 पीपल थे जो गांधी जी के साथ उनके पार्टिसिपेशन में आते हैं और ये प्रोटेस्ट की क्रांति स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि गांधी जी ने कहा था अंग्रेजों बहुत मारेंगे और वैसा ही होता है, अंग्रेज गांधी जी को बहुत मारते हैं, गांधी जी के जितने पार्टिसिपेशन जितने मेंबर थे जो ये प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको बहुत मारते हैं। वैसे तो ये न्यूज़ इंडिया में फैल जाती है तो इंडियन भी क्योंकि अंग्रेजों के जो ये अंग्रेज एक क्रूर शासक थे हमारे इंडिया पे इनसे बहुत परेशान हो चुके थे, तो जो इंडियन थे वो चाहते थे कि जब किसी ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया है, किसी ने क्रांति स्टार्ट की है तो हम लोग को भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। तो जो ये न्यूज़ जब स्प्रेड होती है पूरे इंडिया में तो अराउंड पूरे इंडिया में 20,000 पीपल हैं जो साल्ट सत्याग्रह में अपना पार्टिसिपेशन देते हैं और अंग्रेजों को
अंग्रेजों को गांधी जी के सामने घुटने अपने टेकने पड़ते हैं, ना चाहते हुए भी ये टैक्स हटाना पड़ता है क्योंकि पूरे इंडिया ने इसमें कॉपरेट किया था और एक मूवमेंट था क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट हम ऐसे समझ सकते हैं, क्विट यानी देश छोड़ो अभियान। ये अभियान स्टार्ट किया गया था गांधी जी के द्वारा और ये हम समझ सकते हैं कि ये एक लास्ट मूवमेंट था हमारे जो फ्रीडम, हमें गांधी जी का ये कहना था कि हमें पूर्ण स्वराज यानी स्वराज की उनकी मांग थी, यानी पूर्ण उनको अपना भारत देश चाहिए था। तो इसमें जो ब्रिटिश क्या करते हैं, ब्रिटिश एक माइंड गेम खेलते हैं, वो जो जैसे उस टाइम पे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज थी, जैसे हो गया कांग्रेस पार्टी थी और हिंदू हिंदू इंडियंस थी और मुस्लिम इंडियंस थी। तो जो जिसमें गांधी जी थे वो कांग्रेस पार्टी थी, गांधी जी के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल और भी बहुत सारे नेता थे। तो जो अंग्रेज क्या करते हैं, अंग्रेज ये सोच रहे थे कि गांधी जी, उनको पता चल जाता है गांधी जी कोई नया रिवोल्यूशन या फिर रिवॉल्ट करने की ट्राई कर रहे हैं, तो वो गांधी जी को पहले ही अरेस्ट कर लेते हैं, उनके साथ में जितने उनके पार्टीज के मेंबर थे अरेस्ट कर लेते हैं, अरेस्ट करके एक जेल में रख देते हैं। तो कुछ समय बाद वो सोचते हैं कि अगर जेल में रखना भी तो नहीं सही है, ये गांधी जी इतने फेमस हो चुके थे उस टाइम पे कि अगर उन्हें पता चला कि हम गांधी जी को जेल में रखते हैं तो पूरे इंडिया भी कॉपरेट करके एक नया कोई मूवमेंट स्टार्ट कर सकती है। तो एक पुणे में एक पैलेस है, उस पैलेस में इनको रखते हैं। तो वहां पे एक कांग्रेस की मीडिएटर या फिर हम कह सकें कांग्रेस के एक ऑडियो रिपोर्टर थे, जो ऑडियो के थ्रू जो आपका रेडियो होता है उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन शेयर करते थे। और ब्रिटिश ने इसको मना कर दिया था कि कोई भी न्यूज हेडलाइन भी ये हेडलाइन नहीं चलनी चाहिए कि गांधी जी को जेल में डाल दिया गया है या फिर प्रिजन में डाल दिया गया है। तो जो ये एक कांग्रेस का ये एक न्यूज जो ऑडियो चैनल था, इसको जब एक वुमेन ने इसको स्टार्ट किया था और ये न्यूज पूरे इंडिया में स्प्रेड हो गई और साथ में जो वो ये जो नया कॉपरेशन या फिर जो नई क्रांति करना चाहते थे पूरे इंडिया में पता चल गया। तो जो दो पार्टीज थी, एक थी हिंदू इंडियन और एक मुस्लिम इंडियन, जो दोनों पार्टीज थी वो आपस में मिल के इस जो ये आंदोलन था, जो इस क्रांति है, इसको आगे बढ़ाते हैं और और अंग्रेज को हमारे देश से भगाने में पूरी अपनी अपना बेस्ट देते हैं। और ये इन द ईयर ऑफ 1945 जो ब्रिटिश यानी जो ब्रिटेन में जो वहां के प्रेसिडेंट हैं, उन अंग्रेजों ने कहा इतना ज्यादा खराब हो रहा है देश का माहौल, इंडिया को अब फ्रीडम दे देना चाहिए। तो जो उससे पहले जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने नहीं माना, फिर वही जब प्रेसिडेंट चेंज हुए इन द ईयर ऑफ 1945, तो जब उनसे ब्रिटिश के मेंबर से ब्रिटिश के जो हेड कह सकते हैं आर्मी के जब जो इंडिया में थे, जब उनसे उन्होंने बात किया तो उन्होंने भी यही सोचा कि इंडिया को अब स्वराज दे देना चाहिए क्योंकि बहुत दिनों से बहुत समय से इंडिया प्रोटेस्ट कर रहा है इसके खिलाफ, अगर नहीं दिए तो कुछ खतरनाक भी हो सकता है हमारे लिए। तो इंडिया को स्वराज यानी पूर्ण भारत स्वतंत्रता दे दी गई। और इस पे गांधी जी के कुछ थॉट्स हैं, कुछ स्लोगन हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंक्लूड स्लोगन था डू और डाई, करो या फिर मरो। ये गांधी जी के जितने भी कॉपरेशन थे इनका यही था कि हमें किसी भी तरह बिना फाइट किए बिना खून खराबे के हमें अपना देश चाहिए, तो चाहिए वो भी अपने अपनी आवाज उठा के अपने एकता जो यूनिटी होती है उसको एक तंत्र में ताकत जो होती है वो दिखाया। और गांधी जी का एक थॉट था, फ्यूचर इज नॉट डिपेंड व्हाट टू डू यू इन प्रेजेंट। फ्यूचर वहां फ्यूचर डिपेंड नहीं होता, जो हम प्रेजेंट में करते हैं वही हमारा फ्यूचर बनता है, यानी जो आप प्रेजेंट में करेंगे वही आपका फ्यूचर होगा, ये फ्यूचर पहले से डिपेंड नहीं होता है। और गांधी जी का डेथ, ये भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री रही है गांधी जी की डेथ में। गांधी जी की डेथ 13 जनवरी 1948 को हुई थी, जिसमें से गांधी जी को एक असेंबली मतलब गांधी जी का जो बालीय पैलेस था या फिर उनका घर कह लीजिए, वहां पे वो एक उसके थोड़ी पास में एक असेंबली बुलाते थे एट टाइम ऑफ 5 PM, शाम के 5 बजे वो एक असेंबली बुलाते थे। तो वो असेंबली में क्या था, वो सब लोग जितने भी जो उनकी असेंबली यानी एक तरह का मेडिटेशन सब लोग करते थे एक साथ एक जगह बैठ के मेडिटेशन करते थे। तो गांधी जी ने उस दिन जिस दिन उनकी डेथ होने वाली थी
उस दिन उनके जो भी फ्रेंड थे, जो पॉलिटिकल फ्रेंड थे, आए हुए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, तो उनसे बात करने में थोड़ा टाइम लग गया था। तो अराउंड 5 मिनट टाइम हो रहा था, तो वो वहाँ पे उनकी मीटिंग खत्म होती है, तो वो देखते हैं टाइम कुछ ज्यादा हो गया, तो कहते हैं कि अब मीटिंग खत्म करते हैं, हमें जाना चाहिए अपने असेंबली में। उस दिन उनकी असेंबली लेट से स्टार्ट हुई थी और वो असेंबली में 17 मिनट लेट हो गए थे। तो उसमें से एक पीपल था जो एक गन लाया था, नाथूराम गोड से एक पीपल था जो गन लाया था ब्रिटिश से, जो ये वो एक लीडर था हिंदू इंडियंस पार्टीज का एक लीडर था, जो लीडर था और जो उनके मेंबर थे वो ब्रिटिश में रहते थे। और ये पिस्टल इतनी जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे ये पिस्टल बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जो उनका जो ब्रिटिश में रहते था मेंबर हिंदू इंडियंस का, तो वो क्या करता है, वहाँ के जो कर्नल होते थे, जो हाई लेवल पोस्ट रहते थे, उनको ये पिस्टल मिलती थी। तो ये पिस्टल ला के किसी ना किसी तरीके से ये नाथूराम गोडसे को देता है, और ये इस टाइम पे इसकी अमाउंट अप्रॉक्सीमेट 80,000 to 90,000 है, लेकर देता है। और जैसे ही गांधी जी उस असेंबली में आते हैं, उन्हें लगातार 3 गोली शूट कर देता है और वहीं उनकी डेथ हो जाती है। और ये जो हम कहते हैं महात्मा गांधी, इसका मीन्स और ये टाइटल किसने दिया था, हम कहते हैं राष्ट्रपिता और फादर ऑफ नेशन कहते हैं, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, इन्होंने एक लेटर लिखा था गांधी जी के लिए, और इस लेटर में इन्होंने कहा था आप महात्मा हैं। तो वहीं से ये स्टार्ट होता है। और महात्मा का मीन्स होता है महान आत्मा, यानी जो हर चीज में महान हो, उनकी हर चीज में महान हो। थैंक यू।